हेलो फ्रेंड्स, आज का क्लास है वेक्टर शेप्स। वेक्टर शेप्स हम फोटोशॉप में कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम अपने बनाए हुए नए वेक्टर शेप्स इसमें ऐड कर सकते हैं, आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपको फोटोशॉप में मैंने पेज ले रखा है और इसमें रेक्टेंगल टूल, ये सारे वेक्टर शेप्स आपको दिए गए हैं। रेक्टेंगल टूल है, राउंड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स है एंड पॉलीगन है, इस तरह से आपके बहुत सारे वेक्टर टूल्स दिए गए हैं। इसमें से अभी मैं फ़िलहाल रेक्टेंगल टूल लेता हूं और ऐसे मैं ड्रैग करता हूं। ऐसे मैं जैसे ही ड्रैग किया तो ये रेड कलर फील होकर के और गया और यहां एक पॉपअप आ गया आपके पास, प्रॉपर्टीज़, इसके सारे प्रॉपर्टीज़ ये देखोगे आप यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लास में कि यहाँ शेप होता है या पाथ होता है या पिक्सल्स होते हैं। तो शेप को मैंने बता रखा है इन दोनों का कि शेप क्या करता है आपका। अभी शेप मैंने, ये शेप यहाँ पे है तो इस तरह से अभी किया है। अगर मैं इसी को अगर पाथ कर दूं तो आप देखोगे ये पाथ, जिसको मैं आपको बताया अभी तक, कंट्रोल इंटर करने पे सिलेक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं हटा देता हूँ इसे, अभी मैं नॉर्मली शेप रखता हूँ। तो ये हमारा शेप एक बना हुआ है, ये हमारा शेप बन गया है। ये अलग लेयर पे आप देखोगे यहाँ पे ये शेप बना हुआ और ये आइकन आप देख रहे हो, ये वेक्टर शेप है। तो वेक्टर शेप है। अब मैं यहाँ इसके प्रॉपर्टीज़ में ये क्या सब चीज़ कई चीज़ें हैं इसको आप देखोगे, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। और अगर आप देखो ये क्या है, यहाँ पे आप ग्रीन कलर या कुछ ले लो एंड बहुत ही पतला है, आप शायद आपको दिख भी रहा हो। अभी मैं अगर अंडू करूँ तो आप देखोगे ग्रीन कलर इसके, इसका आउटलाइन पे ये फिल हो रहा है, जो कि अभी बहुत कम दिख रहा है। अगर आपको ज़्यादा मोटा रखना है देन आप यहाँ से इसका साइज 5 कर दो। आप देखोगे कि ये यहाँ से भी आप इसके उसको कितना ज़्यादा करना है, कम करना। अभी ये अंदर की तरफ ले रहा है, यहाँ से आप उसको सेंटर में रखना चाहो सेंटर में रख सकते हो, आउटर साइड पर रखना चाहो आउटर साइड पर रख सकते हो, ऐसा कुछ। अभी मैं फ़िलहाल इतना रखूँ तो आपको आइडिया पता चलेगा। ये भी मेरे डिज़ाइन के साइज के अकॉर्डिंग अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ सेंटर में, एंड ये मेरा आउटर लाइन बाहर की तरफ हो गया। तो इस तरफ से अंदर भी रखो, कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ अभी आप रख सकते हो। यहाँ से आप अपनी साइज चेंज कर सकते हो, ये इतने पिक्सल बाई इतना पिक्सल का, और हाइट और विड्थ ये सब चीज़ें बता रही है यहाँ पे। एंड यहाँ से आप इसको जैसा आप चाहो, जो आपको आउटलाइन किस तरह का चाहिए, डॉटेड चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। यहाँ पे आपको अगर राउंड करना है कॉर्नर्स को देन उसके लिए यहाँ से आप ऐसा कुछ राउंड कर सकते हो, ऐसा। अब आप चाहते हो कि नहीं मेरा चारों कॉर्नर्स जो है वो राउंड नहीं हो, तो आप यहाँ से इसको ब्रेक करके देन आप इनको आप जीरो कर दो। जिसे जिसे आप जीरो कर दोगे वो सारे आपके राउंड नहीं होंगे। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हो। इनका भी अगर यूज करना है तो राउंड करो, नहीं तो आप इसे जीरो कर दो। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हो। एंड अभी हाँ, जैसे मैंने अभी बताया, तो एक और बताता हूँ मैं इसको कि अभी जैसे इसके अंदर मैंने एक तो ये डिज़ाइन बना लिया, बट इसी में मैं अगर शिफ्ट के थ्रू और भी ऐड करता हूँ ऐसा कुछ ऐसा कुछ, तो अभी क्या हो रहा है, ये इसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ ऐड हो गया। बट इसी में आप इस वाले पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर इतना ये कट हो जाता है, इस तरह का ऐड करोगे तो ये सारे आप अपने अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन को इस तरह से आप बना सकते हो। अभी मैंने बहुत सारे क्रिएट कर दिए हैं इसमें वैसे, बट अभी मैं अगर जैसे एक सिंगल भी मुझे अगर इसे से कुछ इसके अंदर ऐसा कुछ डिज़ाइन लेना है तो मैं अंडू करो, इसे सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसके अंदर ऐसा कुछ एक शेप लेता हूँ एंड ये अभी उसमें प्लस हो रहा है, बट अभी आप देखोगे ये क्या है, ये देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे राउंडेड ले लिया था। अगर मैं ये हार्ड कर दूं तो यहाँ पे ये जो इसके कट हैं, जो दूसरा जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसे अगर मैं हार्ड करूँ ऐसा कर दूँ तो देखोगे इस तरह का कट जा रहा है, राउंड कर दोगे तो राउंड जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंजेज कर सकते हो।
एंड अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये हमारा हो गया ऐड। बट इसी में अगर मुझे चाहिए कि नहीं मैं इसे ऐड नहीं करना है तो आप इसको ऐसा कुछ, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये करोगे ऐसा, इस तरह से प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ आप यहां से चेंज करके इस प्रॉपर्टीज के थ्रू अपने डिजाइन को ये है बैकग्राउंड के लिए आपको कितना ज्यादा फेदर इसमें देना है। जैसे सेकेंड वाले में अच्छा मुझे इतना फेदर देना है, जो ग्रीन जो मैंने लिया है पूरे डिजाइन पे अच्छा फेदर इतना देना है, हार्ड रखना है जितना फेदर देना है, डेंसिटी आपको जितना ज्यादा यूज करना है उतना करो आप। ये शेप के ऊपर आपको जितना डेंसिटी जो भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, इस तरह से आप यहाँ पे इसको एड ऑन कर सकते हो। तो ये तो हमारे वेक्टर के शेप्स हो गए। अब मैं इसके अलावा अब बताता हूँ कि इसमें सेकेंड ऑप्शन है राउंड रेक्टेंगल, इस तरह से आप राउंड में कुछ ले सकते हो। सेम वैसे ही प्रॉपर्टीज आपके खुल जाएंगे और इसमें भी आप चेंजेस वगैरह जो भी आप चाहो कर सकते हो। अब यहीं पे शेप की जगह पे पाथ है, मैं यहाँ पाथ पे जाता हूँ ऐसा कुछ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वेक्टर पाथ मेरा बन के आ गया। इसमें कोई कलर फिल नहीं होगा, नॉर्मल होगा। जैसे हम अभी लास्ट की क्लास में मैंने आपको बॉटल को बताया था कैसे सिलेक्शन लेने का या जो भी, तो उस तरह से यहाँ भी इस तरह से अब मैंने सिलेक्शन ले लिया, पाथ बन के आ गया और इसको मैं कंट्रोल इंटर कर लूँ तो ये शेप भी बन वो हो गया, सिलेक्शन ले लिया अपना। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। और अब इसके अलावा ये आप ऐसा कुछ कर सकते हो। इसी में आप अंदर जाओगे, यहाँ से लाइन है, लाइन टूल के थ्रू पाथ मैं सेव पे रखता हूँ फिलहाल, तो इस तरह कुछ आप बना सकते हो। एंड लाइन टूल है, पॉलीगन्स है, यहाँ पे आप पॉलीगन्स से ऐसा कुछ बना सकते हो। यहाँ पे आप अभी फाइव है, फाइव यहाँ पे प्रेस है तो फाइव कॉर्नर्स पॉलीगन के आठ आठ कर दूँ तो नया मैं अगर क्रिएट करूँगा आठ के साथ आ जाएगा। अगर मैं थ्री कर दूँ यहाँ पे तो ये ऐसा कुछ ट्रेंगल बन के आ जाएगा। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं यहाँ पे आप कितना ज़्यादा इसे कितना आप वो देते हो एंड उस हिसाब से आपके कॉर्नर्स बन के आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे आप इसके प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप इन्हें यूज कर सकते हो। यहाँ से आप ऐसे इसे अंदर पॉपअप को हटा सकते हो एंड देन यहाँ पे कस्टम शेप आते हैं। कस्टम शेप में आपके पास यहाँ पे बहुत सारे शेप ऐसे बने हुए होते हैं, अभी आपको इतने सारे शेप दिख रहे हैं बट और भी इसमें अलग अलग बहुत सारे शेप हैं, जैसे फिल्म है, ऑब्जेक्ट है, नेचर है, इसमें नेचर से रिलेटेड है, म्यूजिक, म्यूजिक में म्यूजिक से रिलेटेड आपको शेप्स मिल जाएंगे, वेक्टर शेप्स। तो इस तरह अभी आप ऑल पे अगर एनिमल्स हैं तो एनिमल्स में एनिमल्स के कुछ शेप्स हैं, तो आप अगर आप ऑल पे क्लिक करते हो जिस तरह से आप यहाँ पे एक पॉपअप आता है ओके कर देते हो, फिर आपके जितने भी शेप हैं जो भी आप देख रहे थे से सारे इसके अंदर इस तरह से ऐड होके आ जाते हैं। यहाँ से आप किसी भी शेप को ऐसा कुछ आप प्लेन है प्लेन को आप ऐसा ड्रॉ करोगे। प्लेन चाहिए प्लेन को आप प्लेन ड्रॉ कर लो, यहाँ से कुछ भी किसी भी तरह का आइकन बनाना है लो आप ऐसा कुछ ड्रॉ कर लो। बस यहाँ पे शेप होना है, अगर शेप है तो कलर फिल होकर गया ऐसा कुछ आ रहा है, पाथ है देन ये नॉर्मल पाथ बन के आ रहा है। आपको कहीं पे आइकन के रूप में ऐसा यूज करना है पाथ है, इसको अगर आप अपने अकॉर्डिंग साइज वाइज सब सेट कर लिए देन आप चाहते हो कि नहीं मैं वेक्टर नहीं मैं रास्टर कर दूँ देन इसे ऐसा कुछ करके एंड इस पर आप कलर जो चाहो ऐसा कुछ कलर फिल कर सकते हो आप। ऐसा करने के बाद आप इस पे ऐसा कुछ कलर भी फिल कर सकते हो। तो ये चीजें हैं एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी मैंने ये एक शेप लिया बट इसे मैं मुझे अभी इस तरह से अगर मैं बन बन रखा है इसमें मैं चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। वो कैसे, तो मैं अगर चाहूँ इसके इस तरह से अगर मुझे चाहिए कुछ
कुछ भी मुझे चेंज करना है कि नहीं यार इसका थोड़ा सा ये ऐसा कुछ हो, तो मैं अपने अकॉर्डिंग अभी मैं चेंज भी कर सकता हूँ इसमें। और इसका ये है, हमारे साथ जितने भी अभी मैं बताया हूँ आपको सारे वेक्टर शेप है, वेक्टर शेप के मुझे ये खासियत होती है कि यही चीज़ ये वेक्टर शेप अभी इसी में। हाँ एक और मैं बताता हूँ इसके अंदर कि इसी में इसी चीज़ को मैं वेक्टर के साथ, ये लास्ट में पिक्सल था जो लास्ट के पेंट टूल वगैरह के क्लास में ये पिक्सल वाले ये हाइड आ रहा था, बट मतलब अब सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अभी इसे मैं अगर पिक्सल कर देता हूँ तो क्या होगा, देन आप पिक्सल होने के बाद जो कुछ भी आप बनाते हो ड्रॉ करते हो, जैसे यहाँ पे इस पेज पे, क्योंकि इस ये तो वेक्टर का पाथ है, इस पेज पे मैंने ऐसा कुछ ये सेलेक्ट किया, या मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ एंड लेयर पे मैंने ऐसा कुछ इसे बनाया। अब ये क्या है, ये पिक्सल्स हैं, ये शेप बन के आ गए। अब इसे मैं अगर इसे कंट्रोल टी बहुत ऐसा कुछ करूं, काफी छोटा कर दूं ऐसा, एंड देन कंट्रोल टी फिर से मैं ऐसे बड़ा करूं, तो ये क्या होगा, आप देखोगे ये पिक्सल, इसके पिक्सल्स फट गए, ये बेकार हो गया इसका लाइन। बट क्योंकि ये रीज़न यही है क्योंकि ये पिक्सल्स में है, बट जैसे ही पिक्सल्स मैं वेक्टर यूज करता हूँ, अगर यही मेरा ये अभी ये डिज़ाइन वेक्टर में है, तो मैं अगर इसे कितना भी जूम करूँ कुछ भी करूँ, इसके ये क्रिस्पी ये शेप जो है ये पिक्सलेट नहीं होंगे, ये चीज़ फटेंगे नहीं है। अभी मैं इसे फिर से काफ़ी छोटा कर देता हूँ, अगर मेरी मुझे बहुत छोटा कर दिया इतना, बट अभी बहुत ज़्यादा जूम कर रहा हूँ इसलिए वैसा कुछ हो रहा है, बट अभी मैं इसे फिर से अगर साइज में ज़्यादा करूँ, फिर से मैंने साइज ज़्यादा कर दिया, तो उसको मैंने छोटा करने के बाद साइज ज़्यादा किया तो वो पिक्सलेट हो गया। बट इसको आप देखोगे इसके लाइंस अभी भी सही है और कहीं भी पिक्सलेट वगैरह नहीं हो रहे हैं। तो ये वेक्टर की यही खासियत होती है कि आप कितना भी उसे कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, ना पिक्सलेट होता है ना फटता है वो। तो ये चीज़ें हैं। अब हम इसमें बताते हैं आपको कि आप नया वेक्टर शेप ऐड कैसे कर सकते हो अपने जो यहाँ लाइब्रेरी होती है ये, इसके अंदर अपने फोटोशॉप में यहाँ पे आप नए शेप्स ऐड कैसे करोगे। अब मैं वो नेक्स्ट बताता हूँ आपको कि कैसे ऐड करना है नया कुछ, तो उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब क्या करेंगे, इस जो भी अभी हमने ये आइकन बनाया है, जो भी अभी हमने शेप बना रखा है, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, इसे इलस्ट्रेटर में हम कैसे ले जाएं, इसे इलस्ट्रेटर में कैसे ले जाएं, ऐसे आप सेलेक्ट करके कंट्रोल सी एंड इलस्ट्रेटर आप ओपन करके रखो, और वहाँ पे आप ऐसे कंट्रोल वी करोगे तो पेस्ट एज कंपाउंड से फुल्ली इनेबल्ड कंपाउंड पाथ रास्टर, तो या फुल्ली इनेबल्ड पे आप क्लिक करके ऐसे ओके करोगे तो आपका शेप सेम वैसा ही आ जाएगा वहाँ पे। अब आप जब जैसे ही आपका शेप यहाँ पे आ गया, यहाँ से आप उस पर कुछ भी आप कलर, कोई भी कलर ऐसा कुछ दे सकते हो, आपकी जो मर्जी हो आप कलर दे सकते हो, लाइंस आप यहाँ पे शेप चेंज कर सकते हो, यहाँ से मुझे लगता है कि नहीं यार ये तो ऐसा कुछ, आप जो भी चाहो शेप चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप अपने शेप को अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहो चेंज कर सकते हो, ये रहा आपको। देन आप अभी चाहो कि मैं बता रहा था कैसे ऐड करना है, कि आप उसमें आप अपने बैक फोटोशॉप के अंदर कैसे आइकन्स ऐड कर सकते हो, जो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे शेप के अंदर जो यहाँ पे शेप्स में ये सारे शेप्स हैं, यहाँ पे आप ऐड कैसे करोगे अपने बनाए हुए शेप्स, तो उसके लिए अभी आप एक कुछ भी आप पहले तो पेंसिल से आप इस पर डबल क्लिक करके थोड़ा सही से स्मूथ कर लो, ताकि एंड देन आप ऐसा जो भी चाहो, इस तरह से आपने अगर कुछ शेप बना लिया तो आप इस तरह से इसे कंट्रोल सी कर सकते हो, कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल सी कर लो आप, एंड देन यहाँ पे आप कंट्रोल वी करोगे, इसमें काफ़ी सारे आपके ऑप्शंस आते हैं, पिक्सल्स है, पाथ है, शेप लेयर है। आप अगर पिक्सल पे करोगे तो आपको मैंने बता रखा है, जैसे ही आप पिक्सल पे करोगे वो आपका एक लेयर पे आ जाएगा, और वो ये वही पिक्सल पे आ गया जो हमने यहाँ पे आपको बता रहे थे हम, कि
शेप के अंदर आप जब भी हो तो ये पिक्सल जो पिक्सल आपका, जैसे अभी आप पिक्सल एक नए लेयर पे पिक्सल पे ये बन के आ गया, इसको आप छोटा करो, इसको आप ऐसे छोटा करते हो एंटर, एंड जैसे ही आप बड़ा करते हो तो ये पिक्सलेट हो जाता है। यहाँ पे कॉर्नर्स आप देखोगे पिक्सलेट हो गई, तो इसीलिए पिक्सल पे नहीं लगना है। फिर से मैं कंट्रोल भी करता हूँ, ये पाथ, पाथ पे आप डालोगे ऐसा कुछ, ये इसी पे ये रिपीट हो गया इसके ऊपर। आप नया लेयर ले लो, कंट्रोल वी, यहाँ पे ये स्मार्ट वो ये मास्किंग कर रहा है इसके ऊपर, बट यहाँ सेप है, इस सेप पे मैं अगर यहाँ करता हूँ पाथ, तो ये नया पाथ इस पे उसी पे रिपीट कर रहा है, इसको हटा के नया रिपीट कर दे रहा है पाथ। सेप लेयर, अगर मैं ये सेप लेयर कर देता हूँ तो ये एक नया सेप लेयर, पहले इसी लेयर पे मर्ज कर रहा था, इस रिप्लेस कर रहा था, बट जैसे ही मैंने सेप लेयर किया ये वाला ऑप्शन सेप लेयर, तो ये नया लेयर बना करके ये हमारा एक नया सेप जो कि अभी मैंने उसमें बनाया था उसको, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर मेरा रेड था इसलिए ये रेड ले लिया। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ब्लैक टॉप के कलर पे रखता जो कि मैं पहले भी बता रखा हूँ, तो वो ब्लैक कलर लेता, जो भी यहाँ कलर होगा आपका वो लेकर वो कंट्रोल भी हो जाएगा। अभी आप इस पर फिर से चाहो तो अपना जो भी चाहो ऐसा कलर आप इस पर चेंज कर सकते हो। ऐसा मैं ब्लैक कर दिया, अभी मुझे चाहिए कुछ ऐसा ग्रीन कर दूं तो ग्रीन कलर कर दिया। तो इस तरह से आप ग्रीन कोई भी कलर इस पर आप डाल सकते हो, एंड ये आपका इस तरह से शेप आ गया। अब आपको इसको लाइब्रेरी में जो यहाँ पे हमारे जो शेप्स, यहाँ पे बहुत सारे शेप जो बने हुए आ रहे हैं यहाँ पे आपको ऐड करना है। देन आप इस पर ऐसे राइट क्लिक करोगे, ऐसा राइट क्लिक करोगे सॉरी, एंड पहले तो इसे सिलेक्शन लो, देन डिफाइन कस्टम शेप। जैसे ही आप डिफाइन कस्टम शेप करोगे, शेप वन ओके, ये आपका ऐड हो चुका है, एंड देन आप उसको डिलीट कर दो यहां से। डिलीट करने के बाद फिर से मुझे वही शेप चाहिए, आप यहां पे जाओ ऐसा कुछ, यहां पे आप देखोगे डिफाइन कस्टम शेप में यहां आपका नया शेप ऐड हो रखा है। यहां पे जाना है आपको और क्लिक करना है, यहां लेयर पे गया क्लिक किया और यहां जो जैसा चाहिए शिफ्ट क्लिक शिफ्ट प्रेस करके करूंगा तो सेम टू सेम मुझे ये उसी सेप साइज वही सब कुछ आएगा। और अगर शिफ्ट में नहीं प्रेस करता हूं तो इसको मैं ऐसा कुछ जैसा ये डिस्टॉर्ट वगैरह होगा वो शिफ्ट प्रेस करके आपको जैसा चाहिए उस सेप को आप फिर से यूज कर सकते हो। इस तरह से आप सेप को ऐड कर सकते हो अपने लाइब्रेरी में, एंड ये चीज़ें हैं आज की क्लास में, इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी बनाओ, कोई भी शेप आप तैयार कर सकते हो और उसको अपने फोटोशॉप में यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने इसमें अभी आपको कंट्रोल वी करने पे जो ये पिक्सल पाथ शेप ये तीनों मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पिक्सल से क्या होगा, पिक्सल कैसे रास्टर करके और आपको शेप को लाता है, जो कि आप जूम ज़्यादा साइज वगैरह करते हो तो पिक्सलेट होता है। तो पिक्सल्स के बारे में बता दिया, पाथ बताया कैसे वो सेम उसी पे आपको रिपीट करता है, एंड सेप लेयर का मैंने बता दिया। अब आपको लास्ट बच रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिटेल में बताऊँगा कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपको क्या काम करता है, कैसे काम करता है, काफ़ी डिटेल क्लास होगा इसका। सो नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट सारे वीडियोस आपको या लास्ट के वीडियोस भी, नेक्स्ट जितने भी ट्यूटोरियल्स मैं अपलोड करूँगा वो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलेंगे। सो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड यहाँ पे आपको पिछले जितने भी ट्यूटोरियल देखने हैं उसके लिए आई कार्ड का जो आई आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके बैक के भी सारे ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।